हे हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू सेशन एंड टुडे आई एम हियर विद सीएमए हिमांशु जैन। ही इज क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड करेंटली ही इज वर्किंग विद E&Y। सो ही इज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन E&Y एंड ही गॉट प्लेसमेंट इन ऑफ कैंपस। सो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बिकॉज कैंपस में कैसे प्लेसमेंट लेना है सबको पता है, लेकिन ऑफ कैंपस में आप किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना ये हर किसी को नहीं मालूम है। सो ये वीडियो आपको बताएगी आप ऑफ कैंपस में किस तरीके से अच्छी कंपनी, अगर आप बिग फोर को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप कैसे आप बिग फोर में आप जा सकते हो, एंट्री कैसे कर सकते हो, क्या पैकेज मिल सकता है आपको, आपका वहाँ प्रोसेस क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हिमांशु हमारे साथ शेयर करेंगे। सो हाय हिमांशु, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हाय रोहन, हाय, आई एम गुड एंड आई होप एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो इज ऑल्सो गुड, because now the situation is going normal, so sab theek hi hona chahiye. Yeah, definitely. So Himanshu, first of all thank you ki aapne mera invitation accept kiya and aap mere channel pe aaye ho bachcho ke sath apni journey, wo apne sare struggle aur sare success aap share karoge. ये मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ और लोगों को हेल्प हो रहा है कि वो कैसे जॉब ले या फिर कैसे क्लियर कर पाए सीएमए को. यार डेफिनेटली, तो हिमांशु सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने सीएमए जर्नी कैसे स्टार्ट की, वो क्लिक आपके हाँ. दिमाग में कब आया कि आपको सीएमए ज्वाइन करना चाहिए और सीएमए करना चाहिए? मतलब हर स्टूडेंट के दिमाग में दो टाइम पे ही एक डिफिकल्टी आती है, फर्स्ट स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है और उसके बाद जब स्ट्रीम चूज कर लें तो उसके बाद में हमें आगे प्रोफेशनल लाइफ क्या चूज करनी है. तो स्ट्रीम तो अपना फिक्स था कि कॉमर्स लेनी है, फिर उसके बाद में जब प्रोफेशनल लाइफ चूज करने का आया तो तीन ही ऑप्शन थे, सीएस, सीएमए, सीएस. तो सीएस तो इसलिए बाहर हो गया था कि सीएस में ऐसे पता लगा था कि दो कंपनी से रिलेटेड है और उसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा आता है, तो मेरे को प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा पसंद था. फिर उसके बाद मैं सीए सीएमए बसता था, तो सीएमए के बारे में मेरे को इतना नहीं पता था, मेरे को सीए के बारे में भी पता था, बट फिर मैंने लोगों से और पता करा तो बाद में पता चला कि सी ICWA बोलते थे, फिर सीएमए बोलने लगे. मेरे को ठीक है इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या चीज़ है, तो उसमें पता लगा कि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा है, इसमें कंपनी इसके इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा है, तो इसमें इंटरेस्ट आया. फिर उसके बाद में मैंने इसमें एनरोल वगैरह किया. तो जब आपने सीएमए ज्वाइन किया तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके रिलेटिव्स आपसे पूछते होंगे कि आप सीएमए कर रहे हो, इस कोर्स की क्या वैल्यू है, हमने तो पहली बार सुना है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब कोई मेरा फ्रेंड कोई या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे पूछते थे कि ये सीएमए क्या है, मतलब इसके बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. तो जैसे मैं उनको बताता था कि सीएमए करता क्या है, वी एनालाइज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी और उसके बाद में उसकी कॉस्ट कैसे डाउन करनी है, हाउ दे कैन मैनेज देयर कॉस्टिंग विद द वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो कॉस्ट. तो उन लोगों को लगता था कि अच्छा इसका काम ये है कि ये मतलब जो कॉस्ट है वो कम करता है, तो कहना उसमें तो दो दो तीन रुपए बचेंगे फिर तुम्हें क्या देंगे वो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो मुझसे रेज करते थे. तो वही लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या चीज है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेटेड है, हमें फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, हमें अकाउंट्स भी पढ़ाई जाती है, हमें लो की भी नॉलेज दी जाती है, तो हमारे लिए काफी सारे फील्ड्स हैं. ऐसा नहीं है, कंपनीज नॉलेज को देखती है जनरली कि नॉलेज क्या है इनके पास, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग देते हैं हायर. सो आपने सीएमए जर्नी अपनी फाउंडेशन से स्टार्ट की थी, राइट? यस. तो आपने फाउंडेशन इंटर किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में या मल्टीपल अटेम्प्ट्स कैसे क्लियर किया, आप थोड़ा सा बच्चों को बताओ. हाँ, फाउंडेशन मैंने फर्स्ट में क्लियर किया था. फाउंडेशन मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट जयपुर चैप्टर से ली थी, तो उस टाइम हम सिर्फ 9 लोग थे जो कोचिंग ले रहे थे सीएमए इंस्टीट्यूट से, तो वो लोग 6,000 रुपए में कोचिंग्स प्लस सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है व्हाई नॉट. तो वहीं से हमने किया और काफी अच्छी फैकल्टी थी उनकी जयपुर में, तो वो हमने वहां से क्लियर की फर्स्ट अटेम्प्ट में. हम लोगों ने क्लियर करने के बाद फिर इंटर की बारी आई, तो काफी डिफिकल्टी हुई कोचिंग सर्च करने के लिए स्पेशली इन जयपुर, क्योंकि उस टाइम पे सीएस की कोचिंग ज्यादा होती थी, तो फैकल्टीज जो थी वो हमें चैप्टर वाइज चूज करनी पड़ती थी कि भाई कौन से चैप्टर के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी फैकल्टी चूज करें सीए की. बट फिर फाइनली एक इंस्टीट्यूट ऐसा मिला जो सीएमएस के लिए ही स्पेशली कोचिंग दे रहा था, तो हम लोग 4-5 फ्रेंड्स थे जो सीएमए फाउंडेशन के साथ ही साथ में थे, तो हम लोगों ने वो चूज करी. कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी थे जिनके पास हम गए कि हमें सीएमए की कोचिंग चाहिए और वो देवर लाइक व्हाट इज सीएमए एंड देवर गिविंग द ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स टू द सीएस, सो वी वर लाइक दिस इज द टाइम वी आर फेसिंग.
देन हमने इंटर की क्लासेस ली, फिर उसके बाद फॉर द फाइनल्स आई वेंट टू द दिल्ली, एंड वहां से दिल्ली से मैंने फाइनल्स की क्लासेस ली, बिकॉज फाइनल्स की ऐसा हो रहा था कि जयपुर में मेरे को डिफिकल्टी हो रही थी फाइनल्स की क्लासेस लेने के लिए, तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन है. हाँ हाँ यस यस तो जब आप सीएमए क्वालिफाइड कर चुके थे एंड आपने किस अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाइड किया था? इट वाज दिसंबर 2020, लाइक जनवरी 2021 में हुआ था वो, और मार्च 2021 में उसके रिजल्ट्स आए थे. या डेफिनेटली. सो आई थिंक उस अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट हुए थे, राइट? हाँ आई गेस बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम, दैट वाज द फर्स्ट ट्रांजिशन. तो उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था कि लोगों को काफी कंफ्यूजन था कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम आंसर करेंगे. तो जो लोग वीक थे टाइपिंग में उनको जरूर थोड़ा इशू हुआ होगा, बट जिनों की टाइपिंग अच्छी थी तो आई गेस उन्हों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. इसमें एक एडवांटेज ये था जो फर्स्ट हुआ था उसमें टाइम अच्छा दिया गया था, पेपर थोड़ा इजी बनाया गया था इस टाइप से कि आप थोड़ा सा कम टाइम में सॉल्व कर सको, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और लोगों को इतनी, मतलब सब स्टूडेंट्स को इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो काफी ठीक था. और एक्चुअली होता क्या है, जब हम पेपर में करते हैं तो हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी होती है, सब कुछ करना होता है, तो वो जो बैलेंस शीट वगैरह बनाने का काम है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट ऑनलाइन में ऐसा था नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज अच्छा था उसमें. तो बेसिकली जब आप पास आउट हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट भी पास आउट हुए हैं, तो कैंपस के लिए आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या कैंपस के लिए करना चाहिए? वही था कि यार इतने सारे बच्चे पास हो गए, अब कौन तो कैंपस में सिलेक्ट, क्योंकि बहुत कम कंपनीज आती है स्टार्टिंग में तो कैंपस में, और जब आने लगती है तो वो साल डेढ़ साल हो जाता है, तब तक ज्यादा कंपनियां आती है. तो इतना टाइम अगर आप जॉब कोई क्वालिफिकेशन क्लियर करने के बाद अगर आप बैठे रहते हो तो आपको सब तरफ से प्रेशर आता है, फैमिली से भी रिलेटिव से भी, कि आप इतने टाइम से खाली क्यों बैठे हो, क्या चक्कर है, कुछ कमी है, मतलब ये क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, सवाल उठते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे क्यों है. तो सेम केस, बट मैं ठीक थी, होप थी अंदर, मैं तैयार कर रहा था थोड़ा कैंपस के लिए, तो कैंपस के लिए तैयार हुआ. कोई कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो सबके क्राइटेरियाज अलग थे और इतने सारे स्टूडेंट्स थे तो बड़ा मुश्किल था. बट उसके बाद थोड़ी सी होप तो डाउन हुई, बट ये था कि ठीक है मिल जानी है, कहाँ है, जॉब तो मिल ही जाएगी, हमने जब सीएमए किया है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से रहो और लोगों को रीच आउट करते रहो. ओके, सो देन जब कैंपस में आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ, फिर आपने ऑफ कैंपस किस तरीके से जॉब सर्च करना स्टार्ट किया? हाँ, ऑफ कैंपस के लिए सबसे पहले मैंने जो गलती की वो मुझे लगता है कि मैंने सारी सीए फर्म्स और सीएमए फर्म्स की ईमेल आईडीज निकाली एंड उनको मेल करना स्टार्ट की विद माय रिज्यूमे कि दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस. तो वो मेरे को गलती इसलिए भी लगती है क्योंकि जो प्रैक्टिशनिंग फर्म्स होती है वो आपको पैकेज काफी लो देती है, बिकॉज दे हैव वेरी लो प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज. तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो आपको, हाँ, वर्क एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलेगा. अगर आपको लगता है कि मेरे को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो डेफिनेटली फर्म्स आर द वन थिंग. एंड सेकंड थिंग इज इफ यू वांट कि नहीं ठीक है हमें नॉलेज है, अब हमें हमारा करियर एज ए इंडस्ट्री, एज अ कॉर्पोरेट स्टार्ट करना है, तो आपको इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए. तो इंडस्ट्रीज में जाने के लिए आपको फर्म्स नहीं, आपको इंडस्ट्रीज में ही रीच आउट करना पड़ेगा. तो उसके दो ऑप्शन है, एक आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ और डू रीच आउट टू द पीपल इन द कंपनी वेयर दे आर वर्किंग, लाइक इफ यू वांट टू गो इन एक्सेंचर और ईवाई और वेरेवर, तो रीच आउट टू द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर. तो एक तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग फ्रॉम वेयर आई गॉट द जॉब इज अप्लाइंग ऑन देयर करियर पोर्टल. So I applied on the EY career portal and after that I got the job. Okay. So EY में procedure क्या था? जैसे आपने apply किया, फिर किस तरीके से कितने rounds of interview हुए थे and कितना duration लग गया था, मतलब date of apply से offer letter receive हुए? हाँ, एक्चुअली मैंने जब कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने ये सब करना स्टार्ट किया. तो मैंने जितने भी बिग फोर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जिनके भी हमने नाम सुने हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि सीएमएस यहाँ वर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने उनके करियर पोर्टल्स पे जाके और वहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया. वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आई गेस आफ्टर वन मंथ आई गॉट द कॉल फ्रॉम एचआर. तो I was not aware like I will be getting any call or anything, something like that. I just got a call and they took my interview directly. I was not prepared. Sure. Actually, I had three interviews earlier in another companies. So that is why I was prepared for the things.
तो उन्होंने वही चीजें पूछी मुझसे जो मैं पहले किसी और कंपनीज के लिए तैयार कर चुका था, उससे रिलेटेड पूछी जो मुझे याद थी। जो नहीं थी वो कॉन्फिडेंस से आप जवाब दो, जो नहीं थी उनके लिए बोल दो कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या फिर अभी इस टाइम पे हम याद नहीं आ रहा है। तो दे लाइक पीपल हु आर गिविंग देयर आंसर्स विद द वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे जानेंगे कि आपको 100% नॉलेज है इस चीज के बारे में या नहीं है। तो दिस वॉज द जर्नी, एंड आफ्टर द कॉल आई गॉट अनादर कॉल फ्रॉम द HR आफ्टर 10 days कि आप सिलेक्ट हो गए हो एंड दिस विल बी योर पैकेज, इफ यू एग्री आई विल सेंड यू द ऑफर लेटर। देन आफ्टर 2-3 days आई गॉट द ऑफर लेटर फॉर विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मैं मतलब एक नॉर्मल आइडिया बच्चों को देना चाहता हूँ कि ऑफ कैंपस में जब हम बिग फोर्स में जाते हैं तो एक एवरेज पैकेज रेंज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग फोर्स में? ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके प्रीवियस पैकेज पे डिपेंड करेगा, चाहे वो लो हो चाहे हाई हो वो उसी पे डिपेंड करेगा। बट अच्छा इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू कैन गेस, लाइक यू कैन यू शुड कीप योर एक्सपेक्टेशन अ गुड मार्क। लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कम एक्सपेक्टेशन बता दी, बिकॉज यू हैव अ गुड डिग्री, यू हैव गुड रेपुटेड इंस्टीट्यूट, यू हैव डन योर क्वालिफिकेशन, तो आप फिर उसके बाद में वो कंपनीज आपको अच्छा पैकेज दे सकती है, लाइक द पैकेज विच CA कैन एक्सपेक्ट, अ CMA कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट। तो मतलब अगर इनमें अमाउंट की बात करो तो 7-8-9 लाख तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीइंग अ फ्रेशर ऑफ कैंपस पे। ओके डेफिनेटली, तो एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। इफ इंटरव्यूअर इज हैप्पी विद योर इंटरव्यू देन इट इज गुड। या वो सेकेंडरी थिंग है। और डेफिनेटली मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो पैकेज में आप कभी भी सेक्रीफाइस मत करना। HR का ये काम होता है कि आपको कितना कम से कम पे वो हायर कर ले, और ये आपका काम है कि डेफिनेटली कितना ज्यादा से ज्यादा आप नेगोशिएट कर लो आप उनके साथ। तो ये डेफिनेटली कभी मत सोचना डेफिनेटली कि अगर आपने ज्यादा पैकेज ऑफर कर दिया, बोल दिया, तो आपके पास ऑफर लेटर नहीं आएगा। दे विल गिव यू लास्ट देयर ऑफर, एंड जब तक आप लास्ट ऑफर को ना बोलोगे तब तक आपके पास ऑफर्स आते हाँ रहेंगे उनके साइड से। हाँ हाँ डेफिनेटली दे विल गिव देयर लास्ट ऑफर एंड दे विल आल्सो गिव यू अ ग्रेस पीरियड, लाइक थिंक अबाउट इट एंड डू रीच आउट टू अस। तो लाइक अगर सेम आपको कोई बेटर एग्जांपल मैं अपॉर्चुनिटी, एसेंचर के लिए भी दूँ, तो एसेंचर क्या करती है, आपके जॉब पोर्टल जो है आपके एक आईडी क्रिएट हो जाती है, उस पे ऑफर लेटर वो अपलोड कर देते हैं। देन यू हैव ए ऑप्शन कि आप उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लो या फिर आप रिजेक्ट कर दो, वो अपने लास्ट ऑफर अपलोड कर डेफिनेटली देगी आपके लिए। तो सेम डेफिनेटली हर बड़ी डेफिनेटली कंपनी ऐसे ही करती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर हम ज़्यादा डिमांड कर दें तो हमारा ऑफर लेटर हमारे साथ चला जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी, ऐसा मत सोचना। तो हिमांशु एक क्वेश्चन और मेरा है कि ये ड्यूरिंग दी जर्नी हो सकता है आपने मेरी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी हो, तो मतलब मेरी कोई ऐसी वीडियो जो आपके लाइफ में आपके सक्सेस में थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो थोड़ा सा शेयर करो, बिकॉज मुझे फीडबैक मिल जाएगा डेफिनेटली जरूर। एज अ CMA है वी फाउंड वेरी फ्यू पीपल हु अपलोड द वीडियो फॉर CMA। तो कुछ ही लोग होते थे, तो मैंने ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया, लाइक ड्यूरिंग द माई स्टडीज ऑल्सो एंड आफ्टर माई स्टडीज। तो ड्यूरिंग द स्टडीज में यही सर्च करता था किस टाइप से एग्जाम्स क्लियर करने, तो उसमें आपकी वीडियोज मेरे को मिली थी, तो वही मैंने देखा उसके बाद में किस टाइप से मेरे को पढ़ना है, उसमें कॉन्फिडेंस मिला। तो फिर उसके बाद में जब जॉब्स की बारी आई तो आपने कई लोगों के इंटरव्यूज लिए हुए थे उस टाइम पे, तो मैंने वैसे ही देखा उन लोगों को, तो उसमें से भी मेरे को ये आइडिया क्लिक किया कि हाँ मेरे को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, लाइक लिंक्डइन एंड करियर पोर्टल्स, तो इन तरह की थी। डेफिनेटली दे हेल्प्ड अस। थैंक यू। सो कुछ और बच्चों के लिए एड ऑन अगर आप करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। हाँ एड ऑन यही है कि लाइक इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, लाइक इफ यू वॉन्ट लाइक हाउ टू क्लियर द स्टडीज, तो इसके लिए दो ही बटन्स हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, और उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि आपको जो रिवीजन लेक्चर्स अपलोड होते हैं, कई टीचर्स रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आप फ्रीली वो अवेलेबल होते हैं, आप उन्हों को बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार सुनते रहो, तो उससे क्या है कि एटलीस्ट डायरेक्ट टेक्स, इनडायरेक्ट टेक्स एंड थ्योरी पेपर्स वो सब आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपका ग्रुप क्लियर करने के लिए वो काफी हेल्प करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल्स के लिए यही है कि आप इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, तो वही सबसे बेस्ट है इस चीज के लिए। ओके थैंक यू हिमांशु, एंड होप सो कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट्स लेते रहो, एंड हम आपको बार बार अपने चैनल पे बुलाते रहे। बिल्कुल तो आपका थैंक चैनल भी यू। यही ग्रो होता रहे, यही चाहते हैं।
थैंक यू थैंक यू। सो हम इस सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।